नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्लेसिंग चैनल में। दोस्तों आज मैं अल्फ़ाबेट को लेकर आपके आगे क्वेश्चन लेकर आया हूं और अल्फ़ाबेट को आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि CMTO को यदि XNGL कहा जाता है तो TOPQ को क्या कहा जाएगा, क्यू को क्या कहा जाएगा? तो इसका सिंपल आंसर ये है, आप भी इतने जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं यदि आपको अल्फ़ाबेट याद है। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट याद करने बताऊंगा, आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों ए का जो अपोजिट होता है वो जड़ होता है। दोस्तों अल्फ़ाबेट 26 होते हैं लेकिन जब इनका अपोजिट जुड़ता है तो 27 हो जाता है। जैसे कि ए एक नंबर पर होता है और जड़ 26, दोनों मिलकर 27 हो जाते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आज आप इसको आज से आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही बी आप इसको बाय से याद कर सकते हैं, बाय जा बाय। बी की पोजीशन 2 होती है तो वाई की पोजीशन 25, दोनों मिलकर 27। ऐसे ही सी का अपोजिट एक्स, आप इसको कक्स से याद कर सकते हैं, कक्स एक्स 24 27। सी की पोजीशन 3, एक्स की पोजीशन 24, दोनों मिलकर 27। ऐसे ही डी, आप इसको डीजे वाले से याद कर सकते हैं, डीजे वाले या वाले वाला या वाले डीजे वाले। डी की पोजीशन 4, W की पोजीशन 23, दोनों मिलकर 27। ऐसे ही E, आप इसको ईव से याद कर सकते हैं, ईव। E की पोजीशन 5, V की पोजीशन 22, दोनों मिलकर 27। ऐसे ही F, फ्यू, आप इसको फ्यू से याद कर सकते हैं। F का जो अपोजिट होता है U, फ्यू। F की पोजीशन 6 होती है तो U की पोजीशन 21, दोनों मिलकर 27। ऐसे ही G, आप इसको GT रोड से याद कर सकते हैं, GT रोड G का अपोजिट T, GT रोड। H, हाई स्कूल। H की पोजीशन 8, तो 19 H की पोजीशन, दोनों मिलकर 27। ऐसे ही I, आप इसको इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। आगे जे का अपोजिट क्यू, आप इसको जयपुर क्वीन से याद कर सकते हैं, जयपुर क्वीन से इसको याद कर सकते हैं। जे की पोजीशन 10 होती है तो क्यू की पोजीशन 17, तो दोनों मिलकर 27। जे के पी, काला पानी। इसको आप काला पानी से याद कर सकते हैं। K की पोजीशन 11 होती है दोस्तों, तो P की पोजीशन 16, दोनों मिलकर 27। काला पानी। ऐसे ही L का अपोजिट O, आप इसको लो से याद कर सकते हैं, लो। L की पोजीशन 12 होती है दोस्तों,
तो ओ की पोजीशन 15, दोनों मिलकर 27। ऐसे ही जे के एल एम एम का अपोजिट एन, आप इसको महानगर 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 से याद कर सकते हैं, महानगर। एम की पोजीशन 13, तो एन की पोजीशन 14, दोनों मिलकर 27। देखो दोस्तों, ये 13 हो चुके हैं, कुल 26 होते हैं, हाफ इस तरफ आ चुके हैं और हाफ इस तरफ आ चुके हैं, ये पूरे हो चुके हैं। अब आप अल्फ़ाबेट को बिल्कुल आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई, ये तो आपको याद रहते हैं कि ए की पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ए की पोजीशन 5 है। इसके आगे कैसे याद करें आप, ई एफ 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 को ऐसे 6 बनाकर कर सकते हैं आप, ऐसे एफ, इस एफ की पोजीशन क्या है 6। ऐसे ही जी, जी की पोजीशन 7। एच 8। आई, आई को आप 9। जे, जे को आप ऐसे 10 बना सकते हैं, 10 10। जे के, के का आपको पता होता है कि 11 होता है। एल, जे के एल को आप 12 से याद कर सकते हैं, 12 इंग्लिश में 12 से 12। एल एम, एम को आप ऐसे 13 बना सकते हैं, ऐसे 13 नीचे की तरफ डंडा करके। ये देखो दोस्तों, हो चुके हैं आपको हाफ याद। अच्छा दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।